नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस शहर में हम रहते हैं वह इतना मशहूर क्यों है, यानी कि दिल्ली इतना मशहूर क्यों है? पूरे भारत में दिल्ली आकर्षण का केंद्र है। भारत की राजधानी होने के साथ साथ हमारी दिल्ली अपनी विभिन्नताओं से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे कि यहाँ का खान पान, बाज़ार, जीवन शैली, त्यौहार इत्यादि। तो आइए बच्चों, आज दिल्ली की सैर करते हैं और अपनी दिल्ली की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। दिल्ली यानी कि दिल्ली। पहला, दिल्ली की खासियत को जानने के लिए आइए पढ़ते हैं गीता का दिल्ली दर्शन। गीता आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके मामा जी उसे दिल्ली दर्शन पर ले जा रहे हैं। देखिए, गीता और उसके मामा जी कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली दर्शन पर, दिल्ली की सैर करने। सबसे पहले गीता ने अपना सफ़र मेट्रो से शुरू किया। कहाँ गए दोनों? मेट्रो गए। मेट्रो में सफ़र करने में उसे बहुत मज़ा आया। मेट्रो को एक नदी के ऊपर से जाते देख गीता ने अपने मामा जी से पूछा कि ये कौन सी नदी है। मामा जी ने उसे बताया कि इस नदी का नाम यमुना है। जी हाँ बच्चों, दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। क्या आपने देखी है? गीता ने दिल्ली दर्शन इंडिया गेट से शुरू किया। तो सबसे पहले वो लोग कहाँ गए? इंडिया गेट गए। देखिए इंडिया गेट कितना सुंदर है। यहाँ पर अमर जवान ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है। उसके अंदर जो लौ है, आग है, उसको बुझने नहीं देते। यह उन शहीदों की याद में है जो शहीद हुए थे। उसके बाद बच्चों कहाँ गए इंडिया गेट के बाद? जहाँ उसने इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का भ्रमण किया। देखिए ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट से बिल्कुल सीधे राष्ट्रपति भवन है। ये देखिए बिल्कुल सीधे चल के जाएंगे। राष्ट्रपति भवन की बनावट देख दंग रह गई, वह दंग रह गई। देखिए राष्ट्रपति भवन ये रहा। उसके इंडिया गेट के पास चिल्ड्रन पार्क में उसने बहुत से झूलों पर मज़े किए। चिल्ड्रन पार्क है इंडिया गेट के पास ही, वहाँ पे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ बहुत सारे झूले भी हैं। उसके बाद वह मेट्रो से पुरानी दिल्ली गई। गीता ने वहाँ लाल किला देखा। ये देखिए ये रहा लाल किला, देखा उसने वहाँ पर। उसके बाद उसने क्या देखा? शीशगंज गुरुद्वारा देखा जो भी चांदनी चौक में है। उसके बाद उसने चांदनी चौक की मार्केट देखी जहाँ पर सभी प्रकार का सामान और तरह तरह का खाना उपलब्ध था। देखिए हर तरह का सामान है, किताबें, कपड़े, खाना और बहुत सारी चीज़ें। फिर मामा जी उसको कुतुब मीनार दिखाने ले गए। जब गीता रात के समय कुतुब मीनार पहुंची तो उसकी आंखें वहां की जगमगाहट से चमक उठी। गीता को वह दृश्य बहुत पसंद आया। देखिए रात में बिल्कुल रोशनी हो गई होती है कुतुब मीनार के वहां पर, और ये देखकर वह बहुत चौंक गई और उसे बहुत पसंद आया। वहां से वह अपने मामा जी के घर आई और अपनी माँ को सभी बातें बड़ी उत्सुकता से बताई। बच्चों अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गीता के दिल्ली दर्शन से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। गीता ने दिल्ली दर्शन कहाँ से शुरू किया? इंडिया गेट से शुरू किया था ना, यहाँ पे लिखना है आपको। गीता को किस में सफ़र करके बहुत मज़ा आया, इसका उत्तर भी लिखिए। गीता ने कौन सी नदी देखी थी? गीता ने कौन कौन से स्मारक देखे? जितने भी स्मारक देखे, इंडिया गेट, लाल किला, शीशगंज गुरुद्वारा, उसके अलावा चिल्ड्रन पार्क तो
गई थी। इसके साथ ही कुतुब मीनार, आपको दिल्ली में कौन सी जगह पसंद है और क्यों, इसके बारे में भी लिखिए। प्रश्न नंबर 3, बच्चों दिल्ली में बहुत से प्रसिद्ध स्मारक हैं, उनमें से कुछ के चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से स्मारकों को पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये पहला नंबर क्या है बच्चों, ये है हुमायूं का मकबरा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ये जंतर मंतर है। ये बच्चों ये तो कुतुब मीनार है, ये हमने देखा था अभी, गीता ने भी देखा था रात के समय। उसके बाद बच्चों ये राजघाट है, राजघाट गांधी जी की समाधि है। और ये लोटस टेंपल है। तो बच्चों आप इनके नीचे इनके नाम लिख लेंगे पहले के नीचे, जिसे पहले के पहला क्या है हुमायूं का मकबरा, तो फर्स्ट के आगे लिख लेंगे हुमायूं का मकबरा। इसी तरह सबके आगे लिख देंगे। और एक्टिविटी आपको क्या करनी है कि दिल्ली की कोई भी एक जगह जो आपको पसंद है उसके बारे में बताते हुए एक वीडियो बनाएं और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से दिल्ली से जुड़े बदलावों के बारे में चर्चा करें एवं उपयुक्त गतिविधि को करने में बच्चों की सहायता कीजिए। दिल्ली में बहुत से बदलाव हो चुके हैं, वो आप अपने बच्चे को बता सकते हैं। और COVID-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक है कि जब भी बाहर जाएंगे 6 फीट और 2 यार्ड्स की दूरी बनाकर रखनी है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको दिल्ली के शहर में बहुत मज़ा आया होगा और दिल्ली में बहुत सी जगह हैं। तो जब भी कोरोना से हमें आज़ादी मिलेगी, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो सैर बनती है ना बच्चों, तो ज़रूर जाइएगा दिल्ली घूमने। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।